इलाहाबाद में चल रही बीजेपी के दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरे और आखिरी दिन पर है। प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले रविवार को कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। शाह ने विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अमित शाह ने 2017 को बीजेपी के लिए चुनौतियों का साल बताया। अमित शाह ने अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए यूपी सरकार को कानून, विकास और न्याय के मोर्चे पर फेल बताया। दो दिन चलने वाली बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी समेत पार्टी के आला नेता हिस्सा ले रहे हैं। कार्यकारिणी के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह ने एक ओर जहां मोदी सरकार की जमकर तारीफ की तो वहीं विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। 10 साल के यूपीए की सरकार में घोटालों की और भ्रष्टाचार की श्रृंखला थी। पूर्व की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में हर मंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था। तो निर्णय की पंगुता, प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, ये पूर्व की सरकार के लक्षण थे। हमारी सरकार नो पॉलिसी पैरालिसिस, डिसाइसिव लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, निर्णायक नेतृत्व, निर्णय पंगुता का अभाव। इलाहाबाद में पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बीजेपी के करीब 330 सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी के अलावा बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेश मामलों पर प्रस्ताव पास होंगे। बैठक के एजेंडे में यूपी विधानसभा चुनाव सबसे ऊपर है। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव पर भी बैठक में चर्चा होगी। अध्यक्ष जी ने कहा कि 2017 चुनौतियों का साल है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल में चुनाव। उन्होंने कहा इन चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विकास का अभाव है, शांति समाप्त है, हिंसा का माहौल है। पीएम मोदी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक के बाद पीएम मोदी की इलाहाबाद में बड़ी एक रैली भी होगी। इलाहाबाद से विवेक तिवारी के साथ गीतिका वर्मा, इंडिया 24/7। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा के नव निर्वाचित सांसदों का आज सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सभी नव निर्वाचित सांसदों का सम्मान करेंगे, साथ ही बीजेपी समर्थित सांसदों का भी सम्मान होगा। इस मौके पर हरियाणा से नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहेंगे। और सीधे रुख करते हैं गीतिका, हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इलाहाबाद से। गीतिका, आज क्या क्या होगा इस कार्यकारिणी की बैठक में? शिखर, मैं बता दूं आपको कि 10 बजे से यहाँ कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होगी और अपराह्न में लंच के पहले तक दो प्रस्ताव पास होने हैं, जिसमें जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या चुनौतियाँ हैं, ये एक मुख्य मुद्दा है जो डिस्कशन होगा। इसके अलावा मैं बता दूँ कि दो प्रस्तावों के अलावा जो संगठनात्मक चुनौतियों और संगठनात्मक विस्तार पे जो डिस्कशन होनी है, जो चिंतन होना है, वो भी अपराह्न भोजन के पहले कर लिया जाएगा। इसके पहले मैं बता दूँ शेखर आपको कि
कि कल की अगर हम बात करें तो कल एक प्रस्ताव, इकोनॉमिक प्रस्ताव पास किए गए थे जिसमें जीडीपी ग्रोथ की बात की गई थी, फिस्कल डिफिसिट की बात की गई थी, और आज दो और प्रस्ताव पास होने हैं। इसके अलावा कल मोदी ने बोला था कि संगठनात्मक बदलाव की ज़रूरत है, उसके विस्तार करने की ज़रूरत है, तो उस पर आज इस कार्यकारिणी की बैठक में चिंतन की जाएगी, उस पर मंथन की जाएगी, और हो सकता है कि इस आज के बैठक के बाद संगठनात्मक कुछ परिवर्तन भी हो। तो आज मुख्यतः 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी, लंच तक ये सारे डिस्कशन होंगे, दो प्रस्ताव पास किए जाएंगे, संगठन पर चर्चा की जाएगी और कार्यकर्ताओं से अपील की जाएगी कि वो बूथ स्तर पर जो भी कार्य मोदी सरकार ने दो साल में किए हैं उसको बूथ स्तर तक जाकर लोगों तक पहुँचाए, और फिर शाम 3:15 बजे ये कार्यक्रम यहाँ पे मोदी के उद्बोधन के साथ खत्म होगा, जिसके बाद लोग परिवर्तन रैली में जाएंगे। और परिवर्तन रैली का भी एक मुख्य मुद्दा यही है कि वहाँ जितने भी कार्यकर्ता आएंगे, वो उत्तर प्रदेश के हो या बाहर दूसरे राज्यों से हो, उनको मोदी के कार्यकलापों की जो भी उपलब्धियाँ हैं उसको लोगों तक बताने की, पहुँचाने की बात कही जाएगी शेखर। इसके अलावा राज्यसभा के जितने भी नए मनोनीत सांसद हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। शेखर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास।